हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कई लोगों का क्वेश्चन है कि योगा से बेली फैट कम हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है और बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ इफेक्टिव आसना बताने जा रही हूँ जो कि आपके बेली फैट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा फास्ट फूड है, खाना जो हम खा रहे हैं आजकल बाहर का कहीं कुछ, तो उसकी वजह से जो हमारा पेट है वो निकलता जा रहा है और उसका कारण है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आसना है वो है पर्वत आसना। तो दोस्तों ये जो आसना है इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपको बिल्कुल सीधा ऐसा बैठ जाना है, हाथों को ऊपर करना है और जितना कि स्ट्रेच आप कर सके उतना करना है, ग्रिप बनाकर पेट को अंदर करना है, छाती को बाहर की तरफ करना है। जितना कि आप स्ट्रेच कर सके हाथों को उतना कीजिए, ताकि आपका जो बेली फैट है वो भी स्ट्रेच हो, साइड फैट। ये देखिए आपका, आपको पोस्चर पूरा दिख रहा होगा कि स्ट्रेच हो रहा है। थोड़ी देर तक आपको इस तरीके से ही करना है, 30 से 40 सेकेंड आपको इस तरीके से ही पोजिशन लेना है, फिर धीरे से हाथ नीचे लाना है और फिर से हम करेंगे इसी तरीके से, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए स्ट्रेच करेंगे, पेट अंदर छाती बाहर की तरफ, और जितना स्ट्रेच कर सके उतना करें। वेरी गुड, इसी तरीके से स्ट्रेच किए रहना है जितने टाइम भी आप कर सकें। बस नीचे ले आइए हाथ। दोस्तों जब आप ये आसना करेंगे तो आपको फील हुआ कि आपकी बॉडी में स्ट्रेच हुआ है, आपकी बेली फैट में स्ट्रेच हुआ है। और अब हम करेंगे साइड मसल के लिए स्ट्रेच। ये देखिए तिरक ताड़ासन करेंगे हम, ये भी सेम इसी तरीके से आपको ग्रिप बनानी है, हाथों को ऊपर करना है, लेकिन इसको साइड की तरफ आपको करना है। ये देखिए साइड की तरफ आपको मूव करना है, होल्ड जितना कर सके उतना देर करिए। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए साइड में होल्ड, ये देखिए इस तरीके से आपको जितना आप होल्ड कर सकें जितने टाइम तक करें, ताकि आपका जो साइड फैट है वो जल्दी से रिड्यूस हो। ये देखिए वेरी गुड, इसी तरीके से आपको करना है डेली। आपको 1 मिनट करना है, चाहे खड़े होकर करें, चाहे लेट कर करें, चाहे बैठ कर करें, जैसी भी पोजीशन आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हैं आराम से, लेकिन डेली आपको 1 मिनट तो करना ही करना है। रिलैक्स दोस्तों, आप लोग बॉडी में फील कर पा रहे होंगे अब कि आपका साइड फैट है जो वो स्ट्रेच हुआ है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, रिलैक्स। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे योगा मुद्रासना, जो कि आपके बेली फैट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा करेगा ये। तो वज्रासन की पोजीशन में हम बैठ जाएंगे, इस तरीके से आपको बैठना है और आपको अपनी मुट्ठी को बांध लेना है और आपके अंगूठे को जो है मुट्ठी के अंदर कर लेना है इस तरीके से, और नाभि के नीचे प्लेस कर देना है। लेकिन अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ तो आपको मुट्ठी बांधने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी हाथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट नहीं हो आप कर सकते हैं, तो आपको फोरहेड को नीचे ले जाना है फ्लोर की तरफ, एल्बो को आपको ढीला छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से, वेरी गुड। अब आपको धीरे से अपना सर उठाना है ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट धीरे धीरे, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, और ये आपको डाइजेशन सिस्टम और डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये एक्सरसाइज, वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लेट जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नौकासन और पवन मुक्तासन करेंगे हम, इस तरीके से आपको लेट जाना है। तो नौकासन में भी इसी तरीके कई सारे तरीके के वेरिएशन हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर कई लोगों को दिक्कत होती है, बैक पे में प्रॉब्लम होती है, तो वो ईजिली इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पैरों को होल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से। और अगर वो आप लोग कर सकते हैं, जो लोग मतलब ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते हैं बट थोड़ा बहुत कर उठा सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप इजीली कर सकते हैं, तो आपको जैसे कि नौकासन करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जिनको बैक पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से करना है आपको। ये देखिए ये बोट की तरह पोजीशन लेने हैं आपको, होल्ड करना है आपको जितनी देर तक आप होल्ड कर सकें,
इससे आपका जो नाभि के पास जो फैट होता है बेली फैट वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस होता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होता है इस आसना से। जितना भी आप होल्ड कर सके उतना करें। वेरी गुड, रिलैक्स। अब आप फील कर पा रहे होंगे कि आपके बेली फैट बहुत ही स्ट्रेच हुआ होगा और आपको बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा होगा। रिलैक्स। दोस्तों नौकासना का अपोजिट आसना भी होता है जो कि आपको इस तरीके से करना है। ये देखिए, बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, इससे आपकी बॉडी आपकी रिलैक्स होगी। जितनी देर आपने नौकासना किया था इसको भी आपको उतनी देर ही करना है। ये देखिए इस तरीके से, जितना आप उठा सकें, रिलैक्स। तो दोस्तों अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। ये देखिए, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये, और आपके बेली फैट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है, एल्बो को होल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर आपकी अपनी नोज़ को घुटनों से टच करना है आपको, ये देखिए इस तरीके से, जितनी देर आप होल्ड कर पाएँ। रिलैक्स। दोस्तों अगर आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है तो इस आसना को करने से आपको तुरंत ही राहत मिलेगा। तो दोस्तों अब हम पेट के बल लेट जाएंगे क्रोकोडाइल स्टाइल में, ये देखिए इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भुजंगासना। धीरे धीरे अपर बॉडी को उठाना है ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, ऊपर की तरफ इनहेल करना है, फिर नीचे की तरफ। इस तरीके से आराम से अभ्यास कीजिए। अब आपको अपनी अपर बॉडी को उठाना है, क्योंकि इस आसना से आपके अपर बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बेली फैट पर। पंजों का सपोर्ट लेना है। अब हम त्रियक भुजंग आसना करेंगे। इस तरीके से अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है और पंजों को देखना है पैरों के, ये देखिए इस तरीके से। वेरी गुड, ये पोजीशन आपको लेनी है। इससे आपके बेली फैट पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ये देखिए। वेरी गुड, रिलैक्स होकर बॉडी को डाउन करें। तो दोस्तों आज हमने जो 6 आसना करे हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसना है आपके बेली फैट के लिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। थैंक यू।